हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, एक साइंस किट से, साइंस किट से जो हमारे स्कूल के है। और मैं आपको एक इसमें से एक प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ, वह बहुत आसान है और बिल्कुल रियल सा है। और उसके और इससे पहले मैं आपको बताऊँ, उससे पहले लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और हमें बनाने के स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप बना रहे हैं हम आज। ये रहा एक पाइप चाहिए, टू पाइप्स सेम ऐसे। और ये ईयरफोन्स ऐसे चाहिए, देखिए ईयरफोन्स जो सुनने के होते हैं। और ये एक बड़ी सी, बहुत बड़ी चाहिए इस पे। और ये एक गोल सा ढक्कन चाहिए, बहुत कहीं पे भी मिल सकता है बहुत आसानी से, 5-10 रुपए का। और हमें एक बलून चाहिए, ऐसा बलून चाहिए बिल्कुल। और ये चाहिए, और स्पेसे ये चाहिए। और हमें एक और चीज निकालनी होगी, बहुत ज्यादा कौन सी होगी इसमें, ये एक हेयर बैंड, कहीं से हेयर बैंड तो कहीं से भी मिल जाएगी। और ये हेयर बैंड, और ये चाहिए, ये ऐसी है, ये आपको बाद में बता दूंगा कैसे इसे करना है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे करना है, पहले इसे लेकर इस पे डाल दीजिए, इसे देखिए टाइट से दबाना है जिससे हमें आवाज भी आए। ये देखिए, ये हो चुका है। अब हमें इस पे यहाँ पे लगाना है ये चीज जो ये लिख रही है। अब ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए ऐसे। ये बहुत अंदर डालना है क्योंकि फिर ही तभी आवाज आएगी आपको। चलो हम बाद में अभी इसे टाइट कर देंगे। और अब आपको ये लेना है, अभी नहीं सॉरी, तो इसका हाँ ये लेकर ऐसी होनी चाहिए। अगर ये सीधी भी है तो आप इसे मोड़ के ऐसे कर दीजिए, इसे ऐसे यहाँ पे बहुत अंदर डालना है क्योंकि ये देखिए इस तरह से डाल दीजिए। और ये दूसरी तरफ से इस तरफ से ऐसे डाल दीजिए, ये ऐसे डाल दीजिए ऐसे। ये अब देखिए ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा। अब इसे एयरफोन्स को लेकर यहाँ पे डाल दीजिए, इस साइड जो ये दिख रहा है इसे यहाँ पे डाल दीजिए, ये यहाँ पे बहुत आसान से डाल दीजिए। अरे ये मेरे नहीं लग रहे हैं तो इसे टेप से आप चिपका सकते हैं, अभी मैं चिपका दूंगा। और अब इस बलून का क्या कर रहे हैं, अब हमें एक सीजर भी चाहिए, सीजर चाहिए। और अभी हमने काटा है, आ गया है वो, ये रहा है, मैंने काट चुका है इस शेप का, यहाँ पे ऐसे काट देना है। देखिए चैन इस साइड कोने से काट दीजिए, आप कोने से इतना यहां तक का काट दीजिए, इतना यहां से यहां तक का काट दीजिए। अब ये दिखाता हूँ, ये देखिए इतना कट चुका है, ये अब ऐसा दिखेगा ये। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे आप ग्लू, या फिर अगर ग्लू भी नहीं है तो छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ऐसे ये दबा कर, और ये यहाँ पे आराम से और ये ऐसे करना है, और ये यहाँ पे ऐसे दबा देना है। और ये डब्बा ले लेना है, अभी जो ये ढक्कन सा है इसे, अभी यहाँ पे अगर आपके पास व्यू नहीं था तो आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये देखिए। और ये देखिए कैसा लग रहा है, अब ये हो चुका है हमारा। अगर ये आपको अगर आपको इसे लगाना नहीं आ रहा तो कोई नहीं, ये भी आपको कंफर्टेबल ही है बिल्कुल, ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगे भी दिखाना चाहता हूँ कि हमने इसे यूज किया है। ये देखिए हेयर बैंड को यहाँ पे लगा दीजिए, ऐसे लगेगा। लेकिन पहले हम ये निकाल देते हैं, अगर आपको ये नहीं मिल रही है कहीं से, लेकिन मिल जाएगी आसानी से, अगर नहीं मिल रही है आपको तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसे करिए,
यहाँ पे पहले आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए, ये डालिए, कहीं से भी डाल दीजिए, बहुत आसान है। आपको ये 8 लेनी है, बहुत आसान से स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगी। अगर नहीं आपको कम वो नहीं हो पा रही है तो आप ऐसे ही इतना यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 डाल चुकी है, देखिए 1 2 3 4, और अब यहाँ पे 4 बना दीजिए। ये हो चुकी है यहाँ पे अभी, ये यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिए। अब यहाँ पे 4 और 4 हो चुकी है। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट सेकेंड यहाँ से डाल दीजिए, 4 3rd 4 डाल दीजिए यहाँ पे। अभी 4 तो ऐसे नहीं डलेगी, पहले यहाँ पे भी आपको डालना होगा 2 3 4। अभी हो चुका है 4, हमें यहाँ पे भी डालनी होगी, ये देखिए। अब इसे खोल दीजिए पूरा यहाँ से, ये देखिए अब यहाँ पे हो चुकी है। और अब इसे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे से इसे यहाँ पे रखना है पहले, तो इसे और इसे टाइट कर दीजिए, ये देखिए हमने इसलिए छोड़ दिया उसे, ये देखिए टाइट हो चुका है। इसे भी हम टाइट कर देते हैं, ये देखिए ऐसे, और ये यहाँ पे रहेगा अभी थोड़ा सा यहाँ पे, और एक यहाँ पे लगेगा। आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक मेन होता है यहाँ पे कोने में, और यहाँ पे मेन होएगा कि ये रोक सके। इसे यहाँ पे इसे कर दीजिए, यहाँ पे इसे यहाँ पे डाल दीजिए ऐसे, और फिर ये एक लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ पे ये दबा दीजिए, फिर एक लीजिए यहाँ से, ये यहाँ पे अगर बाहर आ रहा है तो इसे यहाँ पे डालकर इसे टाइट कर दीजिए। ये रहा आपका स्टेटोस्कोप, और इसे आप टाइट कर दीजिए बहुत, ये यहाँ पे निकल रहे हैं तो इसे आप टाइट कर दीजिए बहुत आसानी से, ये ऐसे यहाँ पे इस तरह। ये निकल जाएगा बार बार, तो इसे यहाँ पे से डालकर ये डालकर और यहाँ से अंदर डाल दीजिए, सी गाइस यहाँ पे ये लगा दीजिए। अभी मैं टेप यूज करना चाहूंगी, टेप
से आप ऐसे यूज कर दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिए और ये आपका तैयार हो चुका है। जी देखिए, ये बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है, ये देखिए रियल जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे बिल्कुल रियल लग रहा है, जो डॉक्टर ऐसे यूज करते हैं। बहुत आसान है, आप इसे कहीं पे भी मैम को दिखाकर बहुत यूज कर सकते हैं इसका, बहुत कंफर्टेबल है। सो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, कमेंट एंड लाइक प्लीज। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू। बाय बाय।